गाजियाबाद में उमस भरी गर्मी से आम जनता परेशान है, लेकिन हल्की फुल्की हुई बारिश के बाद पड़ रही उमस भरी गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। आसमान में हल्की घटा छाई हुई है, लेकिन इसकी वजह से उमस भरी गर्मी बढ़ गई है। लेकिन अभी भी पारा 37 डिग्री सेल्सियस पर है, जिसकी वजह से उमस भरी गर्मी बढ़ गई है और अब लोगों को बारिश का इंतजार है, क्योंकि भारी बारिश से ही उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। गाजियाबाद सहित दिल्ली एनसीआर के अंदर उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान किया हुआ है। आसमान में बेशक हल्के बादल छाए हुए हैं और तपिश वाली जो धूप है वो नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। मैं अपने वीजे से कहूंगा तस्वीरें पहले आपको दिखा दें। हल्की हल्की हवा चल रही है, आसमान में जो तपिश इस वक्त देखने को मिलती थी सूरज की वो नहीं है। टेम्परेचर भी 4 से 5 डिग्री कम हुआ है, लेकिन बावजूद उसके उमस भरी गर्मी जो पड़ रही है उससे लोग बाग परेशान हैं। यहाँ कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है भाई आपका? कुलदीप। कुलदीप जी, कितनी गर्मी पड़ रही है? भैया जी, गर्मी बहुत पड़ रही है, रहा नहीं जा रहा कहीं भी। जो है इतनी उमस भरी गर्मी है, कहीं भी जाओ, चाहे घर में रहो चाहे बाहर निकलो, बाहर तो पूछो ही मत क्या हाल है। पहले तो धूप निकल रही थी, धूप की बहुत तपिश थी, लू चल रही थी, लेकिन अब मौसम कैसा है और उसके बाद भी गर्मी कैसी है? थोड़ा टेम्परेचर लो हुआ है, लेकिन गर्मी कम नहीं हुई है कह सकते हैं। जो है के लिए महिला भी है हमारे साथ, उनसे ही बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? गायत्री। गायत्री जी, गर्मी कितनी है और क्या कहेंगे? बुरा हाल है गर्मी से, और जलन होती है बॉडी में, घमोरियां इस टाइम पे बहुत ज्यादा हो रही है, लोगों को दिक्कत हो रही है। उमस से तो कुछ ज्यादा ही दिक्कत है, धूप से उतनी प्रॉब्लम नहीं थी जितनी इस टाइम बहुत मतलब। मैं बात कर रहा हूँ, मुझे भी पसीने जो है आप देख सकते हैं, पूरे पसीने आए हुए हैं और पसीने से पूरा शरीर तर हो चुका है। कुल मिलाकर देखा जाए, आसमान में तपिश वाली धूप बेशक ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी जो उमस भरी गर्मी है उससे लोग बाग परेशान हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, गाजियाबाद।